पाइप एंड सिस्टर्न, ये मैथ की प्रश्नावली है, ये हम देखते हैं यहाँ पर। पाइप एंड सिस्टर्न, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम के अंदर ही देखेंगे इनको, सॉल्यूशन भी हम देखेंगे और जितना शॉर्ट तरीके से हो सके क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, टू टैप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 48 मिनट एंड 36 मिनट, यानी कि ए एक नल है, ये 48 मिनट में किसी टैंक को भर देता है, बी एक नल है, ये 36 मिनट में एक नल को भर देता है। अगर दोनों नल खोल दिया जाए एक साथ में तो कितने टाइम के बाद में ए को क्लोज किया जाए ताकि पूरा जो टैंक है वो 25 मिनट में और 30 सेकंड के अंदर भर जाए, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे हम देखें ए और बी टैंक को 48 मिनट में भर देता है, जबकि वो बी है उस टैंक को 36 मिनट में भर देता है। इसका मतलब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 144 एलसीएम आएगा। 48 का 144 में भाग देंगे तो तीन बार जाएगा, यानी कि तीन, यानी 144 लीटर का टैंक है, एक मिनट के अंदर 3 लीटर पानी भरता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 48 मिनट में पूरा टैंक भर देगा। इसी तरीके से जो बी नल है, बी टैप है, ये 36 का 144 में भाग देंगे तो चार बार जाएगा, यानी कि एक मिनट में वो 4 लीटर पानी भरेगा। इस तरीके से ये नल कंप्लीट टैंक यहाँ पर भर जाता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि कितने टाइम के बाद में ए को क्लोज किया जाए, यानी ए टैंक भरने से पहले क्लोज कर दिया गया है ताकि पूरा टैंक है वो भरने में 25 मिनट और 30 सेकंड लगे। इसका मतलब 25 मिनट और 30 सेकंड में मतलब है कि दो जो नल है हमारे, तो बी नल है, ए नल को तो क्लोज कर दिया गया है पहले ही, यानी हमने पहले क्लोज कर दिया है ए नल को, लेकिन जो बी नल है इसने पानी भरा है 25 मिनट और 30 सेकंड। इसका मतलब क्या है, बी की जो स्पीड है वो है एक मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, यानी कि ये बढ़ देगा 25 से 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 मिनट भर रहा है, तो 25 मिनट में कितना भरेगा, 25 मिनट में ये भरेगा जैसे कि 4 × 51/2 = 102 लीटर पानी। अब पानी बचा कितना टैंक में, 102 लीटर पानी बी ने भर दिया है, और एक कितना लीटर पानी भरेगा उसके अकॉर्डिंग ये पहले बंद हो जाएगा, तो टोटल हमारा टैंक की कैपेसिटी 144, उसमें से अगर 102 घटा देते हैं तो हमारे पास में अब टैंक बचा है 42 लीटर का। अब ये जो 42 लीटर है ये किसने भरे होंगे, ये भरे होंगे ए नल ने, ए नल की कैपेसिटी क्या है, 3, यानी 3 का भाग दे देंगे, तो 42/3 = 14 मिनट। 14 मिनट के बाद में ए नल को बंद कर दिया गया है, तो ये हमारा आंसर होगा 14 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे क्या है, दो पाइप है, यानी कि दो फिलिंग पाइप है ए एंड बी, कैन फिल ए सिस्टर्न इन 18 और 24 मिनट, यानी कि एक वो टंकी को, ए पाइप है वो 18 मिनट में भर देता है, बी पाइप वो 24 मिनट में भर देता है। अगर दोनों टैंक एक साथ, दोनों नल या दोनों पाइप है एक साथ ओपन कर दिया जाए, फिल पाइप आर ओपन टुगेदर बट 6 मिनट बिफोर द सिस्टर्न विल फिल पाइप बी एज क्लोज, यानी कि सिस्टर्न भरने से पहले, टंकी भरने से पहले ए को 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है इन हाउ मच टाइम विल सिस्टर्न टेक्स टू फिल, यानी सिस्टर्न को भरने में कितना समय यहाँ पर लगेगा। तो जैसे कि हम देखें यहाँ पर कि ए पाइप है हमारा एक तरफ, बी पाइप है, ए पाइप जो ले रहा है टाइम 18 मिनट ले रहा है, बी पाइप जो टाइम ले रहा है वो 24 मिनट है। एलसीएम हमने ले लिया दोनों का कितना आएगा, 72, यानी कि 18 एक मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा और बी पाइप है एक मिनट में
ये 4 लीटर पानी भरेगा और ये 3 लीटर पानी भरेगा, दोनों को एक साथ खोल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है कि दोनों को एक साथ खोलेंगे तो जो पाइप भरने में जो टाइम लेगा उससे ये 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया है। 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि एक तरफ स्टार्टिंग में तो दोनों ने मिलकर काम किया होगा, यानी दोनों पाइपों ने भरा होगा टंकी, बाद में 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया है, मतलब कि लास्ट के 6 मिनट है सिर्फ बी पाइप ने काम किया होगा। तो लास्ट के 6 मिनट में बी पाइप ने कितना पानी भर दिया होगा, 6 × 3, क्योंकि 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरा, यानी 18 लीटर पानी भर दिया होगा। टंकी कितने की है, 72 लीटर की, तो बचा कितना पानी, 72 - 18, 54 लीटर पानी बचा। अब ये जो 54 लीटर पानी भरा गया है ये ए और बी के द्वारा भरा गया है। अब ए और बी की कैपेसिटी क्या है, दोनों की कैपेसिटी मिलकर 7 हो जाती है, तो 7 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 49, 5/7। तो ये तो आ गया 5/7 मिनट, ये तो बी ने मिलकर काम किया इतना तो, और बी ने अकेले ने किया 6 मिनट काम, क्योंकि यहाँ पर पूरा टाइम पूछा हुआ, हाउ मच टाइम विल बी सिस्टर्न टू टेक टू फिल, यानी कितना टाइम सिस्टर्न लेगी यहाँ पर। तो इसका मतलब बी ने भी 6 मिनट काम किया है और ए और बी दोनों स्टार्टिंग में मिलकर के 7 से 5/7 मिनट काम किया है। तो दोनों को जोड़ने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 13 से 5/7। दूसरा क्या मेथड हो सकता है इसका, अगर दूसरा मेथड देखें, जैसे कि टोटल हमारे पास जो कैपेसिटी आई है यहाँ पर 72 है, 72 लीटर कैपेसिटी आई है। अब ये जो 72 लीटर की कैपेसिटी है, यहाँ पर हम देखें कि ए है वो 6 मिनट पहले ही यहाँ पर ए को क्लोज कर दिया गया है, तो ए को 6 मिनट पहले ही क्लोज कर, अगर ए को 6 मिनट पहले क्लोज नहीं करते तो ये 24 लीटर पानी और बढ़ता, तो यहाँ पर 24 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 96। अब इस 96 में हाथ का भाग देंगे क्योंकि टोटल क्या कैपेसिटी क्या है, 7, तो ये हमारे पास में आंसर जो आएगा वो यही आएगा, 13 से ही 5/7। तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू फिल पाइप ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 18 और 24 मिनट रेस्पेक्टिवली, बोथ फिल पाइप आर ओपन टुगेदर बट 4 मिनट बिफोर दी सिस्टर्न इज फुल, पाइप ए इज क्लोज्ड, देन हाउ मच विल टाइम सिस्टर्न टू फिल, यानी ए को 4 मिनट पहले बंद कर दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सेम प्रोसेस है यहाँ पर, अगर हम देखें तो सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग जैसे ही जाएंगे इसमें, जैसे 18 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, ए पाइप है बी पाइप है, 18 है 24 है, एलसीएम क्या आ गया, 18 × 18 = 72। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेम आ जाएगा, यहाँ पर 72, तो 72 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना आएगा, 18 × 72, 34 है 72। अब ये 72 जो कैपेसिटी आई है, अगर सेकंड वाले मेथड से हम सॉल्व करेंगे, 72 जो कैपेसिटी आई है अगर इसमें यहाँ पर दे रखा है 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाए, अगर ए को हम बंद नहीं करते 4 मिनट पहले तो क्या होता, ए 4 मिनट और काम करता, यानी कि ये 16 लीटर पानी और बढ़ देता, तो हमारा आंसर हो जाता 88, यानी 88 लीटर पानी हो जाता है, इसमें हम 7 का भाग देते हैं तो हमारा जो भी आंसर आता है, यानी कि 1 और 2 4/7, ये हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि इतना टाइम टंकी को भरने में लगा। तो ये एक मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि ए और बी है, 4 मिनट पहले सिस्टर्न भरने से 4 मिनट पहले ए को क्लोज कर दिया गया है, इसका मतलब बी ने 4 मिनट काम किया होगा एंड के, 4 मिनट बी ने काम किया होगा, कैपेसिटी क्या है 3, तो 4 × 3 यानी कि 12 माइनस कर देंगे इसमें से, 72 में से अगर 12 माइनस कर देते हैं हम तो हमारे पास पानी बचा है 60 लीटर। अब ये 60 लीटर पानी है ये ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया होगा, तो 60 लीटर पानी में 7 का हम भाग दे देंगे, 7 × 35 =
सात आठ छप्पन, सोलह तो सात आठ छप्पन जाएगा, ये 4/7। अब ये 8 से ही 4/7 है, ये ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया है, और सिर्फ बी ने यहाँ पर 4 दिनों 4 मिनट और काम किया है, यानी कि 8 से ही 4/7 से ही 4/7 आंसर। तो दोनों मेथड से हमारा 12 से ही 4/7 ही आंसर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सिस्टर्न कैन फिल्ड बाई टू पाइप्स फिलिंग सेपरेटली, यानी दो एक सिस्टर्न को एक टंकी को भरा गया है, दो पाइप के द्वारा सेपरेटली दोनों पाइप लगाए गए हैं, एक 12 मिनट टाइम लेती है, एक 16 मिनट टाइम लेती है एक पाइप, बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, एक साथ उनको खोल दिया गया है, फॉर सर्टेन टाइम आउट बींग क्लॉग्ड ओनली 7/8 ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ द वाटर फ्लो थ्रू द फॉर्मर एंड ओनली 5 to 6 थ्रोज द लेटर पाइप, द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड, द सिस्टर्न इज फिल्ड इन 3 मिनट फॉर फ्रॉम दैट मोमेंट, ना हाउ लॉन्ग वाज इट फॉर द फुल फ्लो बिगेन। इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टर्न है जो कि 12 मिनट में किसी टंकी को भर देता है, और दूसरा है 16 मिनट में भर देता है, दोनों को एक साथ खोल दिया गया है और वो क्या हो जाते हैं, क्लॉग्ड हो जाते हैं एक टाइम पर, यानी कि किसी टाइम पर बढ़ते बढ़ते वो क्लॉग हो जाते हैं, और उस टाइम पर क्लॉग होने की वजह से, यानी पाइप क्लॉग होने की वजह से, उनमें जो पानी की मात्रा है वो 7/8 ही जाती है, वाटर फ्लो उसके अंदर होता है, और 5/6 है लेटर पाइप के अंदर होता है क्लॉग होने की वजह से, तो उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दिया गया है, और सिस्टर्न है वो 3 मिनट में बढ़ जाती है उस मोमेंट से, जिस मोमेंट से इनको ऑब्स्ट्रक्शन को हटाया गया है, यानी कि उसके अंदर जो खराबी आई थी उसको हटाया गया है, उसके बाद में 3 मिनट में टंकी को भर देते हैं। तो ये जो फुल फ्लो कितने टाइम के बाद में यहाँ पर स्टार्ट हुई वो हमें बताना है, यानी कि जो पाप का जो प्रॉब्लम थी वो कितने मिनट बाद में सॉल्व हो गई थी। पहला तो हम देखें यहाँ पर कि पाइप ए है और पाइप बी है, ए पाइप मान लिया बी पाइप मान लिया, ए जो टाइम ले रहा है वो 12 मिनट ले रहा है, बी जो टाइम ले रहा है वो 16 मिनट ले रहा है, तो ये आ जाएगा 48। 48 के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 3 लीटर में पानी बढ़ता है, और ये आ जाएगा 4 लीटर 1 मिनट में पानी बढ़ता है, ये 4 लीटर बढ़ता है, ये 3 लीटर बढ़ता है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या होगा, स्टार्टिंग में तो ये दिया हुआ है कि दोनों को एक साथ ओपन कर दिया गया है, और उसके बाद में तीन मिनट फ्रॉम द मोमेंट, यानी सिस्टर्न है वो 3 मिनट जब उसकी कॉगिंग को हटा देता है 3 मिनट में सिस्टर्न बढ़ जाती है, इसका मतलब 3 मिनट तीनों दोनों ने मिलकर काम किया है लास्ट के टाइम, तो ए प्लस बी का जो 3 मिनट का भरने का जो समय आया, 3 मिनट का जो वो कितना आया है, 7 21, क्योंकि 7 यहाँ पर भी हो गया, 7 4 और 3 का, और 3 मिनट में 21 लीटर पानी भर देते हैं, टंकी कितने की है 48 लीटर की, तो 48 में से अगर 41 21 घटाए, 48 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 और 2 7 लीटर पानी और भरना, अब 2 7 लीटर पानी में एंड 27 लीटर पानी जो भरना है यहाँ पर,
ये जो 27 लीटर पानी है, ये ए और बी दोनों मिलकर भरेंगे, तो ए और बी कितना भर रहे हैं? 7 भर रहे हैं, तो उसका मतलब 7 का भाग दे देंगे यहाँ पर, तो 7 27 बटे 7, 7 21, 6 बटे 7, 3 सही, 6 बटे 7%। और इसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो इतना टाइम भी खराब रहे थे, 3 मिनट रुपए सेकंड ये खराब रहे थे, तो टैंक को फुल करने में कितना समय लगेगा? 3 सही 1 बटे 7 प्लस 3 मिनट यहाँ पर, यानी कि 6 सही 1 बटे 7 आंसर आ जाएगा। ये टोटल टाइम हो जाएगा टैंक को भरने का। नेक्स्ट हम देखें, एक क्वेश्चन है कि एक सिस्टर्न कैन फिल्ड बाय 2 पाइप्स, 2 पाइप है, 15 मिनट लेता है एक पाइप और एक पाइप लेता है 25 मिनट। बहुत पाइप को एक साथ ओपन कर दिया है कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद में 5/6 क्वांटिटी ऑफ द वाटर फ्लो थ्रू द फॉर्मर, यानी कि 5/6 क्वांटिटी है पानी से जा रही है सिर्फ, और 5/8 है वो लेटर पाइप से जा रही है, तो ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दिया गया है, तो क्या होगा यहाँ पर? ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दिया गया है, तो सेम प्रोसेस हम देखें। ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड, द सिस्टर्न इज फिल्ड, ऑब्स्ट्रक्शन को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, उसके बाद में क्या होगा? तो यही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सेम पैटर्न है इसका। ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दिया गया है, ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड, दी सिस्टर्न इज फिल्ड इन 5 मिनट फ्रॉम सिस्टर्न, इन 5 मिनट फ्रॉम दी मूवमेंट, इन 5 मिनट फ्रॉम दी, हाउ लॉन्ग वाज इट टेक्स दी फुल फ्लो बिगेन, हाउ लॉन्ग टेक्स बिफोर फुल फ्लो बिगेन, फुल फ्लो बिगेन। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि 2 पाइप दे रखे हैं, ए पाइप दे रखा है और बी पाइप दे रखा है, ए 15 मिनट ले रहा है और बी 20 मिनट ले रहा है, 25 मिनट ले रहा है, इसका मतलब दोनों कैल्शियम कितना आ गया? 75, 15 5 75 और 25। अब क्या होता है कि ये बताया गया है कि वो दोनों क्लॉग हो जाते हैं और 5 मिनट पहले उसको रिमूव कर लिया जाता है क्लॉगिंग को, इसका मतलब 5 मिनट उन लोगों ने काम किया है, तो ए और बी ने दोनों पाइपों ने 5 मिनट लास्ट की काम किया है, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट पहले वो क्लॉगिंग को रिमूव कर दिया गया है, तो ए प्लस बी के अकॉर्डिंग लास्ट के 5 मिनट में कितना लीटर पानी भरा होगा? ये हो गया 5 3 8, 8 × 5 यानी कि 40 लीटर पानी भर दिया 5 मिनट, भर दिया कोकिंग रूम के बारे में, तो पानी कितना बचा? 75 माइनस के 40 यानी कि 35 लीटर पानी बचा हमारे पास। अब ये 35 लीटर पानी है, इसको उन्होंने कैसे यूज किया? पैंतीस लीटर जो पानी है,
ये आ गया हमारे पास में 40 लीटर। अब बाकी जो बचा है 35 लीटर बचा है। 35 लीटर पानी है ये यहाँ पर काम करेगा, ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पानी बचा है यहाँ पर 27 लीटर, उनको भी एक इसने काम किया है, तो 35 लीटर पानी है, इसको भी इस तरीके से काम करेंगे। तो 35 लीटर पानी को हम निकालें, सॉल्व करें, तो क्या होगा? पैंतीस इंटू 35 लीटर पानी है। 35 इंटू 24 डिवाइड बाई 145। अब ये क्यों आया 145? क्योंकि यहाँ पर ओनली 5/6 क्वांटिटी है, वाटर की फ्लो हो रही है थ्रू फॉर्मर, एंड 5/8 है थ्रू लेटर पाइप हो रही है। तो 5/6 और 5/8 के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा? ए की वैल्यू निकाले हम, जैसे मान लो 5/6 के अकॉर्डिंग निकाले ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × 5/6, यहाँ पर 5 है, 5 × 5/6, इसका 5/6 जो पानी बह रहा है 25/6 बह रहा है। और बी की वैल्यू यानी 3 की वैल्यू निकाले हम 5/8, वो की लेटर पाइप के अकॉर्डिंग है। बी की वैल्यू 3 × 5/8, ये हो गया हमारा 15/8। तो ये क्या आ जाएगा कि 25/6 से 15/8 हो गया है, यानी एफिशिएंसी जो हमारी है वो कितनी कम हो गई है, दोनों को जोड़ दें हम तो क्या आएगा 145/24। तो 145/24 का हमने एफिशिएंसी यहाँ पर दी है, ताकि इतने टाइम में ये क्या है क्लॉटिंग रहा था, तो इतने टाइम क्लॉटिंग के साथ में काम किया हम लोगों ने, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हम निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा ये, 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, और 5 से काटेंगे तो 7 बार, और इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी हमारी 7 × 24 / 29, तो ये आ जाएगी वैल्यू 168/29 मिनट, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप्स 30 एंड 36 मिनट रेस्पेक्टिवली, बोथ पाइप आर ओपनड, यानी दोनों पाइपों के साथ खोल दिया गया है। ए पाइप है वो 30 मिनट लेता है और बी पाइप वो 36 मिनट लेता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया है कुछ टाइम पीरियड के लिए, और फिर क्लॉगिंग हो जाती है। ओनली 5/6 है वो फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, वो फॉर्मर पाइप से फ्लो होगा, और ओनली 9/10 है वो लेटर पाइप से फ्लो होगा। जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और सिस्टर्न है वो 15 से 1/2 मिनट में उस मोमेंट से भर जाती है। तो हाउ लॉन्ग वाइज बिफोर फुल फ्लो बिगेन, तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, सेम मॉडल है, यानी कि जो ए पाइप है वो 30 मिनट ले रहा है और बी पाइप है वो 36 मिनट ले रहा है। 30 मिनट 36, अब क्या हुआ, दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, कितना आएगा 180। 180 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब दोनों की कैपेसिटी आ गई है 5-5। इसमें मतलब क्या है कि ए और बी ने 15 मिनट पहले उनके क्लॉट के बाद में 15 मिनट टाइम लिया भरने में, इसका मतलब ए और बी ने 15 मिनट काम किया है, 15 मिनट और
30 सेकंड चलते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू कह रही है 10, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 1/2 को, तो यहाँ पर क्या जाएगा, जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं तो 31/2 इंटू 6 आएगा, ये 5 है यहाँ पर, तो 11 का 11 से मल्टीप्लाई होगा, 11 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये वैल्यू आएगी हमारी 341/2, यानी कि 170.5 यूनिट। तो ये वैल्यू आई है हमारे 170.5, किस लिए आई है, क्योंकि ए और बी यहाँ पर काम करेंगे 15 मिनट, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट क्लॉटिंग के बाद में, तो इतना टाइम लगेगा। तो क्लॉटिंग से पहले, क्लॉटिंग से पहले कितना लगेगा, क्लॉटिंग से पहले यहाँ पर बचा है 8.5 बचा है, 8.5 बचा है, 9.5 बचा है, 9.5 बचा है, 9.5 में भी ये क्लॉटिंग वाला सेक्शन काम करेगा। तो क्लॉटिंग वाला सेक्शन क्या आ जाएगा, ए के लिए आ जाएगा, ए इक्वल टू 6 इंटू कितना दे रखा है, 5/6, तो ये आ जाएगा तो 5, और बी का आ जाएगा क्लॉटिंग सेक्शन वाला, यानी कि 5 इंटू, तो बी का यहाँ पर है 5/5 इंटू 9/10, ये रहा 9/10, 5 इंटू 9/10, तो ये आ जाएगा 4.5.5। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सारी वैल्यू को कैलकुलेट करें, ए और बी की दोनों वैल्यू को, यहाँ पर कॉकिंग के समय, तो ये भी 9.5 आ रही है, और इसी के अकॉर्डिंग है यहाँ पर जो कॉगिंग है हमारी, यानी कितना टाइम लगेगा यहाँ पर, तो 1 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि 9.5 है हमारी, पानी भी इतना बचा है और टाइम भी इतना ले रही है, उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट यहाँ पर इसको फुल फ्लो होने में यहाँ पर लगेगा। इसके बाद में हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है जैसे दो पाइप है ए और बी, एक टैंक को 30 मिनट और 36 मिनट में भर देते हैं रेस्पेक्टिवली, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए और कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो 5/6 एंड 9/10 ऑफ दियर एफिशिएंसी का काम करते हैं, आफ्टर सेम सम टाइम द प्रॉब्लम वाज रिमूव्ड एंड द होल टैंक विल फिल 16/1/2 मिनट, देन आफ्टर हाउ मच टाइम द प्रॉब्लम इज रिमूव्ड। तो कितने समय के बाद में ये प्रॉब्लम है रिमूव होने के बाद में टैंक बढ़ जाएगा, यानी कि हाउ मच टाइम टू प्रॉब्लम इज रिमूव, यानी प्रॉब्लम को रिमूव करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जो पाइप दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए को 30 मिनट लगते हैं, बी को 36 मिनट लगते हैं, ए है बी है, ए को 30 है, बी को 36 है, यानी दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम तो 180 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। अब 16 16.5 मिनट पहले इसने क्या कर दिया है, यहाँ पर रिमूव कर दिया क्लॉकिंग को, यानी कि 16 इतने टाइम तो ए और बी को काम करना ही होगा, क्योंकि जब ट्रैफिक की हटा दिया तो इनको काम करना होगा, ए प्लस बी की इन 16 2 मिनट की वजह से क्या हो जाएगा, ये 30/2 - x min हो जाएगा, अब ये कैसे हुआ 33/2, क्योंकि 16 इसको सॉल्व करेंगे तो हम 32/2 - x, माइनस x क्यों हमने रखा है,
क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व होगा, यानी कि फुल इफेक्ट है, क्लॉगिंग इफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको। एक तरफ हमारा ए और बी है, इसका टाइम नहीं दिया हुआ है, रिएक्शन में टाइम लगा होगा हमको, तो ये इनकी जो यूनिट बनेगी, जैसे कि यहाँ पर ये बनी है इस तरीके से, इनकी जो वो 95x यूनिट, 95 वेरिएबल होंगे इसमें। अब 95 कहाँ से आया, ए और बी है यहाँ पर 11 है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कोई प्रॉब्लम है, वो फंसे हुए हैं। तो बाकी जो काम बचेगा, यानी कि एक्स 33/2 माइनस एक्स, उसमें से 180 में से ये माइनस कर देंगे हम, तो बाकी जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग हम निकालें, ए की वैल्यू निकालें हम, तो 6 × 5/6, क्योंकि यहाँ पर 5/6 दिया हुआ है, ए की वैल्यू आ जाएगी 6 × 5/6, यानी 5 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 9/10, यानी कि 4.5 आ जाएगी। अब दोनों की कैपेसिटी आ गई है 4.5, तो यहाँ पर हम देखें तो वैल्यू क्या होगी, जो हमारी वैल्यू आई है यहाँ पर 9.5, उसके अकॉर्डिंग हम निकालें यहाँ पर फुल इफेक्ट यहाँ पर आ गया है ये वाला सेक्शन, और जो क्लॉगिंग इफेक्ट है वो आ गया हमारे पास में 9.5, तो क्लॉगिंग कंडीशन में है। इसका मतलब कंप्लीट हमारा जो हो जाएगा 9.5x क्लॉगिंग प्लस के 33/2 माइनस के x इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 9.5x माइनस के 11x, तो ये 11 हो जाएगा यहाँ पर। अब 11 क्यों आया है, ये 16.5 मिनट इन दोनों ने काम किया है, ए और बी ने, जब उसको रिमूव कर दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा 11। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 9.5x प्लस के, ये आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ये, यानी 181.5 अब 181.5 कैसे आया, क्योंकि 33/2 से यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये वाला सेक्शन को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 181.5 आ गया माइनस के 11x, क्योंकि ये ज्यादा हो गया है उससे, 180 से ज्यादा हो गया, इसलिए माइनस का किया है यहाँ पर, माइनस का 11x × 180, तो ये आ जाएगा, ये 9.5x है, ये 11x है, तो x की जो वैल्यू आएगी तो ये आ जाएगी यहाँ पर 1.5, और ये 1.5x, 1.5 x की वैल्यू आएगी 1 मिनट, यानी कॉगिंग जो रही थी बनी थी प्रॉब्लम है वो 1 मिनट के बाद में सॉल्व हो जाएगी, ये यहाँ पर आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, अगर सेकंड हम मेथड हम देखें तो सेकंड मेथड इसका ये होता है, पहले
ये कॉगन के अंदर भरने में लेता है पूरी टाइम। अब 16 से 2/9 में हमारे पास में दो कंडीशन है, एक तो 9.4 एक आया हमारे पास में 9.5 + 1.5 यानी कि 11। अब जो वैल्यू है यानी कि 9.5 11 16 मिनट 16 से 1/2 मिनट यहाँ पर काम किया हुआ है इतना टाइम के लिए, तो क्या आ जाएगा 95 डिवाइड बाई 10 इंटू 33 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 156.75। अब जो वैल्यू आई है 156.75 इसमें हम देखें कि 180 में से ये घटा देते हैं हम वैल्यू 156.75, तो ये वैल्यू आ जाएगी 23.25 यानी कि 1 की वैल्यू मान लो यहाँ पर निकाले हैं, ये तो आई है हमारी 1.5 की वैल्यू, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है 1.5 का है, तो 1.5 इक्वल टू आया ये 23.25। तो एक के लिए कितना आ जाएगा 1.5 इक्वल टू 23.25, तो एक के लिए 23.25 डिवाइड बाई 1.5 तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 15 से 1/2। क्यों 15 से 1/2 आंसर आएगा, यानी कि जो कॉगिंग की प्रॉब्लम हम देखते हैं कि 15 से 1/2 में फुल एफिशिएंसी प्राप्त होती है हमें, और टोटल टाइम लगता है 16 से 1/2 यानी कि 1 मिनट का यहाँ पर कॉगिंग एफिशिएंसी है, सिर्फ 1 मिनट का यहाँ पर अंतर पड़ने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि दो टैब है हमारे पास में ए और बी, जो कि कितने के हैं 20 घंटे में एक टंकी को भरते हैं और 30 घंटे में एक टंकी को भर देते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया गया है एक टैंक को भरने के लिए, लेकिन टैंक है उसका 1/3 एफ है वो एक लीक डेवलप हो जाता है, लीक यानी कि लीकेज हो जाता है टैंक के अंदर, बॉटम में लीक होने लग जाएगा, और इसके 1/3 वाटर सप्लाई है वो पूरे पाइप के द्वारा लीक आउट हो जाती है। तो इसमें कितना टाइम इस टैंक को भरने में लगेगा यानी फुल होने में लगेगा, तो सबसे पहले हम देखें कि टैंक ए है हमारा और टैंक बी है, टैंक ए लेता है 20 घंटे, टैंक लेता है 30 घंटे, दोनों का एलसीएम दिया कितना आया 60 यानी कि यहाँ पर +3 और यहाँ पर 2, ये तो होगी हमारी यहाँ तक की कहानी। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, तीसरी कंडीशन दी हुई है कि लीकेज यहाँ पर दे रखा है 1/3, तीसरा पाइप भी हो जाएगा सी, इसका लीकेज रखा है 1/3 यानी कि माइनस का 1/3 हो जाएगा ये लीकेज। तो ये हमारी लीकेज हो जाएगी सी पाइप के लिए, तो दो पाइप जो भरने का काम कर रहे हैं वो 5 भरने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 60 में हम क्या करते हैं 5 भरने का काम करते हैं, तो ए और बी है दोनों मिलके 5 भरने का काम करेंगे, और उसमें से 1/3 पार्ट इनका लीक भी हो रहा है। लीक हो रहा है इसका मतलब क्या है कि 60 पार्ट में से 1/3 है यानी 1/3 लीक हो रहा है यानी 20 लीटर बनना है, 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 मिनट ए और बी को लगेगा भरने में, यानी ए और बी इस टंकी को या पाइप को भरने में 4 मिनट का समय लगाएंगे। अब तीनों के लिए हम देख लेते हैं कि यानी ए और बी तो भरने का काम करेंगे लेकिन सी लीकेज है वो खाली करने का काम करेगा,
इसका मतलब क्या है कि ए और बी भरने का काम करेंगे, तो 40 हमारा भरने का, क्योंकि 20 लीटर पानी वन बाई थर्ड है यहाँ पर भर जाता है, लीकेज हो जाता है, 40 लीटर पानी भरना है, 3 यहाँ पर सी फैक्टर के लिए आ जाएगा लीकेज फैक्टर के लिए, तो ये आ जाएगी वैल्यू 12 मिनट। तो तीनों मिलाकर कितना का टाइम लगेगा? अब 12 मिनट का टाइम लगेगा और 4 मिनट वो पहले से काम कर चुके हैं, ये वाली 4 मिनट ये और भी काम कर चुके हैं, 12 मिनट ये कहाँ लगेगी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 12 और 4। अब लीकेज है, वो लीकेज हमारा कितना है? 1/3 का। या ये वाला लीकेज है, ये वाला 1/3 है, तो 1/3 है, तो 1/3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर ये 5/3 है तो 5/3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि ए प्लस बी है वो काम कितना करते हैं, दोनों मिलकर 5 का काम कर रहे हैं, लीकेज कितना होगा? तो ये 5/3 आएगा, दोनों मिलकर का जो काम कर रहे हैं उसका 5/3 है। तो पूरी जो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी ये वो आ जाएगी 5 माइनस के 5/3, 5 माइनस के 5/3 यानी कि 10/3 आंसर आंसर हो जाएगा, 10/3 आंसर, यानी कि इतना टाइम इसको फुल होने में लगेगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।